चंबा शहर के ओबरी मोहल्ला में एक दुकानदार पर अज्ञात लोगों द्वारा तलवार व हथियार दिखाकर धमकाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दुकानदार ने हथियार बंद अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात की वीडियो सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदार सुनील कुमार ने सुल्तानपुर चौकी में सीसीटीवी फुटेज पेश की है। उन्होंने बताया कि वह रोजाना की तरह अपनी दुकान पर था, जिस दौरान दो गाड़ियां उसकी दुकान के पास रुकी और उनमें से कुछ लोग तलवार व अन्य हथियार लेकर निकले, जिसके बाद उसने डर के कारण दुकान को बंद कर दिया। इस दौरान एक युवक ने तलवार को जमीन पर पटका और जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जून माह में वह किसी कार्य के कारण कांगड़ा गया हुआ था, जन्हा सेवाया लाहडू चुवाड़ी वापस आ रहा था। इस दौरान कालीधार के पास कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी को रोका और गाड़ी की तलाशी लेने की बात कही, जिसके बाद कुछ हथियार निकालकर उस पर जानलेवा हमला भी किया। सुनील कुमार ने पुलिस से मामले की जाँच करने की मांग की है। मैं सुनील कुमार शिल्लू ओबड़ी मोहल्ला से बोल रहा हूँ। पिछले दो दिन पहले जो हमारे साथ हादसा हुआ है, जिसकी मैंने सीसीटीवी फुटेज जो है मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो किया है, और ये आए दिन ऐसे ऐसी जो है घटना होती जा रही है मेरे साथ। पर पिछले पहले भी कुछ महीने पहले फरवरी मार्च में मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था जो मैंने शायद मीडिया के माध्यम से बताया था, और उसका जो ज्ञापन जो मैंने अपने SP साहब को दिया था, जो मेरे से चुवाड़ी में मेरे साथ हुआ था, मतलब हादसा हुआ था, और उसकी जो है मामला जो है चुवाड़ी थाने में भी दर्ज हुआ था। और कुछ बीते दिन अभी दो दिन पहले की बात है, जो अभी कुछ मैं अपने दुकान में सफाई सुई का काम चलाया हुआ था, सफाई सुई का काम कर रहा था, और रात को कोई 12:15 के 1 बजे के करीब गाड़ियाँ आई, रोड के नीचे लगी हमारी शॉप के नीचे, तो वो कुछ मेरे नाम से मुझे पुकार रहे थे। तो जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि हाँ जी, तो मेरे को वो शायद वो पंजाबी लगे, पंजाबी भाषा में बात कर रहे थे, तो मेरे को बोलते साले ओ फलाना गाना, कुछ बदतमीजी, मतलब गाली गलौज कर रहे थे मेरे साथ। तो जब मैंने उनको पूछा हाँ जी बताओ क्या है, तो वो नीचे सड़क पे आ, उन्होंने नंगी तलवारें, जो तलवारें थी वो नंगी वो ऐसे ऐसे हिला रहे थे, और उन्होंने रोड पर भी मारी है तलवारें, और मेरे को दिखा तो नीचे थे टांगे टूँगे काट देंगे फलाना गाना। तो फिर मैं थोड़ा सा घबरा गया, उसके साथ में थोड़ा सा मेरे को वो लगा, नेचुरली वो हथियार के साथ थे। तो फिर जब मैंने आए दिन ऐसे ऐसे किया, और उसके बाद जो है मैंने रात को पुलिस सुल्तानपुर चौकी में भी कंप्लेंट की। जब चौकी में कंप्लेंट की तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं। तो ये जो है दिन ब दिन ये जो घटना जो है बढ़ती जा रही है, जिससे मतलब मेरी तो जान को खतरा है ही, और इससे मेरा परिवार जो वो भी सेफ नहीं है। तो मैं मीडिया माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पहले भी मेरे साथ ये कुछ घटना हो चुकी है, तो दोबारा फिर मेरे साथ ये घटना हुई है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जिससे मेरे परिवार को और मुझे कोई प्रॉब्लम आए। तो मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से ये गुजारिश करूँगा कि इस क्या बोलते जो ये जो तलवारें वगैरह निकाली है, इसकी गंभीरता से जाँच की जाए, और इसकी जो मेरे जो CCTV कैमरे फुटेज है उसमें भी इनकी फुटेज आई है, और साथ में जो हमारे ओबड़ी चौक में जो कैमरा लगा हुआ पुलिस प्रशासन का, उसमें भी इनकी फुटेज ली जाए। रात के करीब पौने एक से लेके 1:05 तक जो फुटेज वो ओबड़ी चौक की भी ली जाए, वहाँ पे भी इनकी जो जब हमारे से बात करके दो तो तलवारें ऐसे ऐसे लटकाते लटकाते चौक की तरफ गए हैं। तो मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसकी जो है गंभीरता जांच, इससे जो है माफिया राज जो बढ़ रहा है दिन ब दिन, चंबा में जो है माफिया राज का दिन ब दिन जो सक्रिय होता जा रहा है। जब मैंने वहाँ में एक आध दो बंदे को मैंने जब जिनको फेस किया, जब मैंने पहचाना, मुझे लगा वो यहाँ के जो चंबा के जो शराब कारोबारी है, उनके मेरे को उनके आदमी दिखाई दिए एक दो बंदे को। बाकी जो है मैं अपने पुलिस के माध्यम से यार मैं अपने सुल्तानपुर चौकी जो मैंने कंप्लेंट करवाई है उनको मैं बोलूँगा कि इसकी इन बंदों को ट्रेस किया जाए, ये कहाँ के बंदे हैं, वो किस फर्म में काम करते हैं, और किस लिए आए हैं, ये मुझे मारने के लिए आए हैं या क्या करने के लिए आए हैं। जो बंदे घर के बाहर आके तलवारें निकाल के मतलब वो कर सकते हैं, वो कल को घर के अंदर भी घुस सकते हैं। तो इससे हमारा जो चंबा जो है सेफ नहीं है। आज बीते दिन मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, भाईचारों किसी तीसरे के साथ भी हो सकता है। तो मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि ये जो माफिया राज है वो ख़त्म होना चाहिए। मेरी प्रशासन जो है मेरे से आज और की विनती है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।